लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर निर्वाचन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और बूथों पर नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। निर्वाचन कार्यों के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांडेय ने कहा कि जिस भी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई हो वो अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करा लें। डीएम ने कहा सभी बूथों पर बीएलओ से संपर्क करें और मतदाता सूची में नाम अंकित करा लें और लोकतंत्र के उत्सव में अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांडेय ने कहा इसके मतदाताओं से जो नए मतदाता है देखिए गोरखपुर में अभी जनवरी से जो है वो जनवरी 19 में किसको भी 18 साल पूरा हो रहा हो वो तो वोटर बनाने के लिए एलिजिबल है, उनका हक बनता है और कर्तव्य भी है एक तरफ से मानता हूँ। और हाल ही में चुनाव अभी आने वाले हैं, अप्रैल में संभवतः उसको पोलिंग होगा और मई तक उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। मैं सबसे अपील करता हूँ, एक तरफ अंतिम दौर चल रहा है इस समय में, ताकि तो मार्च हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्च पहले सप्ताह में आदर्श आचार संहिता लग जाएगा, उसके पहले कितने भी वोटर छूट गए हैं, खासतौर पर जो नया वोटर है उनका अपील करने चाहता हूँ। आप लोग जो वहाँ जो कहाँ वोट आपका आसपास इलाका में जो पड़ता है वहाँ बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर बैठे रहते हैं, कोई टीचर हो नहीं तो कोई ग्राम स्तर का कर्मचारी हो उनसे संपर्क कर लीजिए। वो नहीं मिलता उनका मोबाइल नंबर मिलता है, उनके माध्यम से आप संपर्क करते हुए फॉर्म नंबर 6 भरा करके आपका एज का एक सबूत दे दीजिए, फोटो दे दीजिए, आपको वोटर कार्ड तुरंत बन जाएगा, हम लोग बना के रख लेंगे। इनकेस दूर में कोई रहता है, मान लीजिए विदेश देश में कहीं से भी रहता है, ऑनलाइन के जरिए से भी अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम लोग जो फिर शामिल करते हुए उनका अभी तो आने वाले चुनाव में वोट देने के लिए मौका देंगे। बट किसका नाम वोटर लिस्ट पर नहीं है वो वोट देने के जो एलिजिबिलिटी नहीं बनता है, वोट दे नहीं पाते, वंचित रह जाता है। मैं आपके मीडिया के जरिए से मैं अपील करने चाहता हूँ, कितने ही जो नौजवान वोटर है, यंग वोटर है, कृपया करके इस पर अपने नाम दर्ज करा दीजिए और जो आने वाले चुनाव में ज़रूर भागीदारी लीजिए। सर कुछ ऐसे भी वोटर कार्ड है जिसमें कुछ नाम गलत हो जाते हैं, फादर नेम गलत हो जाते हैं, इसके लिए भी क्या व्यवस्था? हाँ, उसको भी त्रुटि सही कराने के लिए वो अलग फॉर्म आपका भराना होता है, उसको भरा करके आपको दे देंगे, उसको संशोधन हो जाएगा। मान लीजिए उसका सारा फॉर्म नंबर 6, 7, 8, 8 ये तमाम फॉर्म है जो आप जाकर के बीएलओ से संपर्क करें, नहीं तो तहसील में संपर्क करें, ब्लॉक में संपर्क करें, वो फॉर्म आपको मिल जाता है। आप कारण बताना होता है, फॉर किसी के नाम त्रुटि है उसका अलग फॉर्म है, किसी का नाम एक जगह से काट के दूसरे जगह शिफ्ट कराना है उसका अलग फॉर्म है, किसी का नया वोटर बनाना है उसका अलग फॉर्म है, आप वहाँ संपर्क करेंगे तुरंत आपको वोट जो फॉर्म मिल जाता है वो भरा के देना होता है, आपको सही करा के तुरंत दे देंगे हम।